ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर में हमारा ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम राजगांगपुर थाना अंतर्गत जामपल्ली खेल मैदान में आयोजित किया गया है। ओडिशा के प्रमुख वीके पांड्या ने कहा कि सुंदरगढ़ जिले को विकसित करने के लिए बहुआयामी योजना बनाई गई है। सुंदरगढ़ जिला विश्व कप हॉकी खेल के लिए ही प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिले के राजगांगपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बीजू ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए और माताओं के लिए 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य कल्याण योजना शुरू की है और जिन लोगों ने स्वास्थ्य जीवन बीमा नहीं कराया है वे अगले 6 से 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक टू ब्लॉक लक्ष्मी बस योजना जिले के सभी पंचायतों और प्रत्येक माँ के लिए 5 रुपए में उपलब्ध होगा। उन्होंने वादा किया कि अगले कुछ दिनों में वो 5 रुपए में यात्रा कर सकेंगे और स्कूल और कॉलेज के छात्र 5 रुपए में बस के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। सभी पंचायतों में बैंक खोलने की यह योजना तत्काल लागू की जाएगी। श्री पांडियन भीड़ के पास गए और उनकी शिकायतें ली। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद और चर्च के विकास और आरोपों को लेकर दिए गए शिकायती पत्र पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वहीं आरोप है कि बैठक में मौजूदा मीडिया प्रतिनिधि का अपमान किया गया, उन्हें कुर्सी नहीं दी गई। आखिरकार पत्रकारों ने खड़े होकर अपना काम किया। पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से भीड़ को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस कार्यक्रम में सुंदरगढ़ उपजिलापाल बशरफी सराबू, राजगांवपुर SDPO अभिषेक पानीग्राही, स्थानीय तहसीलदार गोपीनाथ मलिक, राजगांवपुर नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी गोविंद चंद्र डनसेना उपस्थित थे। संवाददाता राम प्रेस चौधरी, VSRS न्यूज, ओडिशा।